आज हम देखेंगे क्लास ईथ का चैप्टर टू का, जो कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, उसका पार्ट टू वीडियो देखेंगे। तो पार्ट टू वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ये तीन चीज़ हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। ओके, तो द बेसिक एलिमेंट्स आर द कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स। ओके, तो ये तीन बेसिक एलिमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट इज ए वैल्यू हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, एंड इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। दैट मीन्स जो भी वैल्यू आप कंप्यूटर में देंगे, चाहे कोई भी नंबर्स, चाहे वो होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे, एवरी नंबर्स आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट वैल्यूज। जो वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू हमेशा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा, जब कोई काम चलेगा, कैलकुलेशन जब चलेगा कंप्यूटर के अंदर, कोई भी प्रोसेसिंग जब चलेगा, प्रोसेसिंग के टाइम पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हम इनपुट किए हैं, चाहे 5, 10, 20, जो भी हम इनपुट करेंगे, तो सभी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वैल्यू अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट इज द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। इट इज़ ए सिंगल अल्फाबेट्स और ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल सिंबल दैट इज एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोड। जैसे कि सिंगल अल्फाबेट, देखो M ये एक सिंगल अल्फाबेट है, इसको हमने सिंगल कोड में मेंशन किया है। तो जब हम कोई भी सिंगल अल्फाबेट को सिंगल कोड में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखो 8 को हमने सिंगल कोड में रखा है, तो ये भी एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ये देखो ये एक सिंबल है, ये सिंबल को हमने सिंगल कोड में रखा है, तो ये भी एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। एनी सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोड। डबल अल्फाबेट या डबल डिजिट होने से नहीं होगा, सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोड, सिंगल कोड के अंदर रहेगा, तब तक हम उसको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट बोलेंगे। ओके, सेकेंड वन इज योर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। दीज आर द नंबर्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल से न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट का, ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। -135 ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, -235 ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। ओके, देन 5.24 ये डेसिमल नंबर, ये भी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। कोई भी नंबर हो, चाहे वो होल नंबर, नेचुरल नंबर या डेसिमल नंबर, जो भी नंबर हो, वो सभी नंबर को न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल दैट इज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोड। एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल को अगर डबल कोड के अंदर रखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है HUMAN, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट है, इसको हमने डबल कोड में रखा, तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। 1789 ये नंबर है, इसको हमने डबल कोड में रख दिया, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। जब तक कोई नंबर को हम डबल कोड में रखेंगे तब वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिंगल डिजिट को सिंगल कोड में रखेंगे तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नंबर को कोई भी सिंगल या डबल कोड नहीं देंगे तो वो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में रहेगा। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सिंगल या डबल कोड यूज नहीं हुआ है। ओके, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में इतना ही डिफरेंस है। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में सिंगल डिजिट, सिंगल अल्फाबेट सिंबल को सिंगल कोड दिया जाता है, इसमें सिंगल हो या मोर देन वन, जितना भी नंबर्स या जितना भी अल्फाबेट्स हो, वो सभी को अगर डबल कोड में हम रखेंगे तो वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, चाहे एक ही अल्फाबेट हो या एक ही नंबर हो या मोर देन वन। ओके, तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल्स। तो ये जो वेरिएबल देखने से पहले मैं बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में जब इनपुट देते हैं तो इनपुट में हम बहुत सारी चीज़ देते हैं, नंबर देते हैं, डिजिट देते हैं, अल्फाबेट देते हैं, तो ये सारी चीज़ देते हैं,
उसमें से कोई कोई चीज वैल्यू मेमोरी कंस्टेंट के अंदर जाता है, कोई कैरेक्टर कंस्टेंट के अंदर जाता है और कोई स्ट्रिंग कंस्टेंट के अंदर जाता है। तो हम अपने हिसाब से हम कौन सा डाटा को कौन सा कंस्टेंट के अंदर देंगे वो हम देने के टाइम में उसको प्रोग्रामर डिफाइन करता है, इसको कौन सा कंस्टेंट के अंदर हम लेंगे, मेमोरी कंस्टेंट के अंदर लेंगे या कैरेक्टर या स्ट्रिंग, वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है। इसमें हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है डाटा इनपुट करना, हम डाटा इनपुट करेंगे जैसा चाहे हम वैसा डाटा इनपुट करेंगे, उसको कौन सा कॉन्स्टेंट के अंदर वो लेगा, कौन सा कॉन्स्टेंट का कैटेगरी के अंदर लेगा वो प्रोग्रामर का तकलीफ है, वो प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। ओके, तो ये हो गया कॉन्स्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स इट इज द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन विच इज कैपेबल टू स्टोर सम कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड इट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट मीन्स आप जो वेरिएबल का नाम देंगे वो वेरिएबल का नाम आप ऐसे दे सकते हैं, कोई भी सिंगल अल्फाबेट में दे सकते हैं या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट में आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ये जो नाम आप देंगे ये नाम किसका होगा, इट इज द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन का नाम है। तो जो आपका कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो मेमोरी आपका लॉजिकली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड होता है। ओके, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है इंटरनली तो हम कभी देखे नहीं मेमोरी के अंदर, तो ये जो मेमोरी होता है ये लॉजिकली ऐसे सिंगल सिंगल डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो आप जो वैल्यू इनपुट करते हैं वो सारे वैल्यू ये ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर होता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट, कभी यहाँ पे स्टोर होगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे मैं एक छोटा सा डायग्राम करके दिखाया हूँ, पर इसमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ब्लॉक्स होता है, तो वो वैल्यू जाकर वहाँ पे स्टोर होता है। तो आपने जो वैल्यू इनपुट किया वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ वो तो आपको पता नहीं होगा, तो उसको अगर फिर से आप एक्सेस करना चाहते हैं, वो वैल्यू को फिर से आपको यूज़ करना है कहीं पे, तो वैल्यू आपको फिर से चाहिए, तो कहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होगा, अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका वैल्यू को आप कैसे लाएंगे मेमोरी से। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो जो लोकेशन में आप वैल्यू को रखेंगे उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन नेम के हिसाब से आप उसको एसेस करेंगे। तो जो आइडेंटिफिकेशन नेम होता है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल नेम और द वेरिएबल। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे 56 रखा है, इसको हम एक आइडेंटिफिकेशन नेम देंगे एक्स एक्स वाई। ओके, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नेम दिया, दैट मीन्स जो एक्स एक्स वाई इज द वेरिएबल नेम। ओके, तो ये लोकेशन में हमने ये नाम दिया, ये एक लॉजिकल नेम है, हमेशा ये नेम वहाँ पे नहीं रहता है, हम टेम्पररली वो लोकेशन में कुछ वैल्यू रखे हैं उसी हिसाब से उसका नाम हम एक्स एक्स वाई दिए हैं। उसी तरह ये लोकेशन में हमने कुछ वैल्यू रखा है, इसका भी हम एक नाम देंगे, इसका नाम हमने दिया ए। तो ए एंड एक्स एक्स वाई दिज आर द नेम ऑफ द वेरिएबल, दैट मीन्स ये लोकेशन का वो टेम्पररी नेम है, ये वैल्यू को ओनली हम एसेस करने के लिए ये नाम दिए हैं। अगर हम ये नाम से कुछ चीज एसेस करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा। ओके, तो प्रोग्राम में ये सारे वेरिएबल्स यूज होता है। अगर कोई लोकेशन का वैल्यू प्रोग्राम के अंदर यूज होना है तो वो लोकेशन का वैल्यू प्रोग्रामर ये वेरिएबल नेम के थ्रू एसेस करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। देन डाटा टाइप्स, डाटा टाइप मीन्स इट इज एनी थिंग दैट डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू कंटेन्स ए वेरिएबल एंड इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। दैट मीन्स जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन टाइम में डाटा टाइप का जरूरत होता है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम क्यों करेंगे, वेरिएबल हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेमोरी का लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो लोकेशन में हम वैल्यू रखेंगे वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, यह हमने अब थोड़ी देर पहले देखा। तो लोकेशन को जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल का नाम देते हैं, तो वो लोकेशन के अंदर, मतलब वो जो वेरिएबल नाम दिया गया है वो लोकेशन के अंदर कौन सा टाइप का कॉन्स्टेंट वैल्यू रखा जाएगा। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने पढ़े थे, कॉन्स्टेंट वैल्यू थ्री टाइप्स होता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, मेमोरी कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, तीन टाइप के कॉन्स्टेंट पढ़े। तो वो जो मेमोरी लोकेशन में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा, कौन सा लोकेशन में, मतलब कौन सा वेरिएबल के अंदर कौन सा टाइप का कॉन्स्टेंट रहेगा, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट रहेगा या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट रहेगा या न्यूमेरी कॉन्स्टेंट रहेगा, उसको डिफाइन करने के लिए डाटा टाइप यूज किया गया है।
जैसे कि हम वेरिएबल का नेम उधर देते थे, ए एक्स वाई जेड अनिल कुछ भी हम वेरिएबल का नेम दे देते थे। तो वेरिएबल का नेम जब डिक्लेयर किया जाएगा प्रोग्राम में, जब वेरिएबल का नेम मेंशन किया जाएगा, मेंशन करने के टाइम पे वहाँ पे उसका टाइप भी मेंशन किया जाएगा, ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो टाइप का होगा उसमें वही टाइप का कॉन्स्टेंट वैल्यू जाकर स्टोर होगा। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्स, वो सपोज कैरेक्टर टाइप का होगा, दैट मीन्स उसमें ओनली कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ही जाकर स्टोर हो पाएगा, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं होगा, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं होगा। ओके तो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए डाटा टाइप का यूज होता है। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। फर्स्ट वन इज योर कैरेक्टर टाइप, इट स्टोर्स कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, इट ऑक्यूपाइज वन बाइट ऑफ स्पेस इन द मेमोरी। जो मेमोरी के अंदर जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, मेमोरी के अंदर वन बाइट का स्पेस लेते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। और ये जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा कैरेक्टर डाटा टाइप का, डेफिनेटली वो भी वन बाइट स्पेस लेगा, क्योंकि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट वन बाइट स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। तो कैरेक्टर का वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैर एक्स, कैर एक्स सेमीकोलन दिया गया है। सेमीकोलन मीन्स दिस द टर्मिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन का एंडिंग, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन का एंडिंग में सेमीकोलन दिया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का एंडिंग हुआ है। तो कैर एक्स दैट मीन्स एक्स एक वेरिएबल, उसका डाटा टाइप क्या है, कैर है। दैट मीन्स जब कोई भी वेरिएबल का पहले कार लिखा जाएगा तो इससे हमको ये पता चलेगा कि एक्स एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, मतलब एक्स का डाटा टाइप कैरेक्टर है, जिसके अंदर मतलब एक्स जो मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर ओनली कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर हो पाएगा। ओके और उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वन इज योर इंटीजर कॉन्स्टेंट और इंटीजर टाइप, इट स्टोर्स ओनली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बट नॉट द डेसिमल वैल्यूज, इट ऑक्यूपाइज टू बाइट ऑफ स्पेस इन द मेमोरी। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट के अंदर हम पढ़े थे, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट के अंदर दो टाइप का वैल्यू स्टोर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर स्टोर होता है, डेसिमल नंबर भी आता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट के अंदर। पर उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर टाइप एंड फ्लोट टाइप। इंटीजर टाइप के अंदर क्या आता है, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आता है और जो सारे डेसिमल नंबर वो फ्लोट टाइप के अंदर जाता है। तो इंटीजर डाटा टाइप जो है, इंटीजर डाटा टाइप यूज करके जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे कि कैर डाटा टाइप यूज करके एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसी तरह इंटीजर का इंट डाटा टाइप यूज करके, यहाँ पे देखो इंट वाई लिखा गया है, तो वाई इज ए वेरिएबल, इसका डाटा टाइप है इंट, दैट मीन्स ये इंटीजर टाइप का है। तो इसके अंदर इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। इंटीजर टाइप का वैल्यू मतलब क्या है, इसमें उस टाइप का कॉन्स्टेंट वैल्यू स्टोर होगा जो कि ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स उसमें स्टोर नहीं होगा। ओके देन थर्ड वन इज योर फ्लोट टाइप कॉन्स्टेंट, इट स्टोर्स द डेसिमल वैल्यूज विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इट ऑक्यूपाइज फोर बाइट ऑफ स्पेस इन द मेमोरी। देखो मैं बोला था, तो न्यूमेरिक को इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर टाइप एंड फ्लोट टाइप। इंटीजर टाइप में ओनली पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रहता था, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर नहीं रहता था। और फ्लोट टाइप में, टाइप में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रहेगा, मतलब डेसिमल पॉइंट वाला पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर वाला पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इसमें स्टोर होगा। ओके तो इसको डिक्लेयर किया जाएगा फ्लोट कीवर्ड यूज करके, फ्लोट जेड। ओके तो हियर जेड इज ए वेरिएबल दैट कंटेन्स फ्लोट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके तो ये हो गया आपका डाटा टाइप्स। ऑपरेटर, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट इज यूज विद द ऑपरेंड्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओके दैट मीन्स आपके जितने भी सिंबल्स होता है, जैसे कि प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ओके क्वेश्चन मार्क, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिंबल्स। ये जो सिंबल्स है वो सिंबल्स जब आपका कोई भी ऑपरेंड के साथ यूज होता है, ऑपरेंड मीन्स वेदर इट मे बी प्लस सॉरी ए बी सी एनी अल्फाबेट, और वेदर इट मे बी नंबर्स 5, 3, 2.0, 3.1 एटसेट्रा। तो
अगर कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट के साथ आप सिंबल यूज करके कोई भी ऑपरेशन करेंगे, ओके, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर्स आता है। तो सपोज आपने लिखा 3 + 5, तो यहाँ पे प्लस इज द ऑपरेटर एंड 3, 5 आर द ऑपरेंट्स एंड द ऑपरेशन इज दैट समेशन। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन हुआ, समेशन ऑपरेशन हुआ, 3 और 5 का समेशन हुआ या एडिशन हुआ, ओके। तो ये है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड वन इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड थर्ड वन इज योर रिलेशनल ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज योर लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ओके, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म टू फंक्शन दैट इज मोडुलस एंड एक्सपोनेंट। ये भी ऑपरेशंस होता है, ये क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस आर द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, ओके, ये मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये एमओडी मोड, ये मोडुलस ऑपरेटर, देन ये जो सिंबल है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ओके। तो दिस आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज विद द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके। तो हियर इज अ टेबल दैट डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट ऑपरेटर्स। ये सिंबल प्लस सिंबल, इसके काम है एडिशन करना। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1 + 2 = 3 आ रहा है। देन ये माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, 4 - 1 = 3, ये आपको पता है। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल, ओके, 2 × 4, दैट मीन्स 2 to the power 4, एक्सपोनेंट का मतलब है 2 to the power 4 = 16। देन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, 4 × 3 = 12, 5 × 6 = 2, 5 × 6 = 30, ब्रैकेट में है तो 2 के साथ वो भी मल्टीप्लाई होगा, 30 × 2 = 60। देन स्लैश, दैट इज डिविजन, दिस इज डिविजन ऑपरेटर, 12 / 4 = 3, कोसेंडर आ रहा है। देन मोड, मोडुलस ऑपरेटर, द डिविजन एंड द मोडुलस ऑपरेटर परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, दैट इज डिविजन ऑपरेशन, बट द मोडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर्स ऑफ द डिविजन। डिविजन होने के बाद जो रिमाइंडर निकलता है वो रिमाइंडर वो रिटर्न करता है, और ये स्लैश जो डिविजन ऑपरेटर है वो कोसेंडर रिटर्न करता है। जैसे कि हमने 12 / 4 किया तो कोसेंडर 3 आया, 15 mod 4 करेंगे, 15 को 4 में डिवाइड करेंगे, तो 15 को 4 में से डिवाइड करने से 4 × 3 = 12 होता है, रिमाइंडर क्या बचता है 3, तो हियर द आंसर इज 3, ओके। 255 mod 10, दैट मीन्स 255 को 10 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर डेफिनेटली 5 बचेगा, ओके। देन हियर इज द अनदर स्लैश, ओके, दिस द डिविजन, दिस द इंटीजर डिविजन, इट डिस्कार्डेड द डेसिमल प्लेसेस, 19 / 4 = 4, 19 / 4 करेंगे तो अगर डेसिमल में आंसर आएगा, जैसे कि 4 को 19 में डिवाइड करेंगे, 4 × 4 = 16, तो 16 पॉइंट में आंसर आना चाहिए, ओके, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, पर यहाँ पे ये जो स्लैश यूज़ किया है ये बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। बैकवर्ड स्लैश में क्या होगा, ये उसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, ओके, 4 × 4 = 16 में ही रह जाएगा। अगर ये 19 बैकवर्ड स्लैश 4 हमने दिए हैं, इसके जगह पे अगर हमने 19 फॉरवर्ड स्लैश 4 देंगे, मतलब ये सिंबल यूज करेंगे, तो यहाँ पे आंसर डेसिमल में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, ओके। देन प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर की क्या जरूरत है हम देखेंगे। प्रेसिडेंस मीन्स द प्रायोरिटी दैट इज फॉलोड वाइल अप्लाइंग दीज ऑपरेटर्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट वेन देर इज मोर देन वन ऑपरेटर्स आर यूज इन वन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स जैसे कि आपके मैथमेटिक्स में ब्रैकेट, प्लस, माइनस, कोई भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर एट टाइम यूज होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, बदमाश रूल यूज करते हैं। दैट मीन्स ब्रैकेट एंड एडिशन, ओके, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपका रूल्स होता है वो रूल आप फॉलो करके आप क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ प्रेसिडेंस का रूल्स है, वो रूल के हिसाब से
अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल्स ऑपरेटर्स यूज होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हम यूज कर पाएंगे। तो देखेंगे क्या क्या प्रेस। देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन के अंदर प्लस है, ब्रैकेट, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मोड, ओके, एक्सपोनेंट, देन डिविजन, वो सारे ऑपरेटर्स यूज किए हैं। तो कौन सा ऑपरेटर को पहले हम सॉल्व करेंगे, वो हम प्रेसिडेंस का जो रूल्स है उसको फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रेसिडेंस टेबल, यह हमारा प्रेसिडेंस टेबल है। इसका प्रेसिडेंस फर्स्ट किसका है, एक्सपोनेंट का है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ये एक्सपोनेंट को, ओके। उससे पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि ब्रैकेट, ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन नहीं हुआ है, ब्रैकेट के बाद ये ऑपरेटर आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डी मॉडुलस 2, सॉरी डी मॉडुलस ई, यानी इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट अंदर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, डी माइनस सी टू से बात करेंगे ये ब्रैकेट के अंदर है। इसको सॉल्व करने के बाद हम बाकी जो भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, उसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन दोनों है, दो ऑपरेटर, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसमें प्रॉब्लम आएगा। इसमें अगर दो ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस है तो आप इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। मतलब लेफ्ट में क्या फर्स्ट आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं, तो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, उसके बाद डिविजन का काम होगा। देन थर्ड में आता है मोड, हमने तो मोड ये पहले सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर फिर से और कहीं पे मोड होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। देन फोर्थ में आएगा प्लस एंड माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस, ये तो माइनस तो ब्रैकेट के अंदर है, उससे वो पहले हो चुका होगा, तो अभी आप प्लस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसी तरह ये जो ऑर्डर है, पहले एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन मोड, देन प्लस एंड माइनस, ओके। इस हिसाब से आप ये जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज द इक्वल साइन। एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ए इक्वल टू 5, दैट मीन्स यहाँ पे 5 है कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि ए को असाइन हो रहा है। तो ए क्या है, ए इज द वेरिएबल, तो ए के अंदर 5 स्टोर हो गया, ए इक्वल टू 5 मतलब। यहाँ पे लिखा गया है एक्स इक्वल टू वाई प्लस 3, तो यहाँ पे वाई प्लस 3 का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का वैल्यू को हम एक्स को दे रहे हैं, दैट मीन्स एक्स एक वेरिएबल, उसके अंदर वाई प्लस 3 का वैल्यू जाकर स्टोर होगा, ओके। तो कोई भी वेरिएबल को हम एक एक्सप्रेशन या कॉन्स्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होना चाहिए।
लॉजिकल ऑपरेटर्स इट इज यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट। तो रिलेशनल ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी दो ऑपरेटर को या दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम कंबाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर थ्री टाइप्स का होता है, क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर लॉजिकल एंड। ओके, इट ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम कंबाइन करेंगे, अगर दो ही रिलेशनल एक्सप्रेशन में आउटपुट ट्रू ट्रू निकलेगा तभी फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा दोनों का फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड वन इज और, इट ऑपरेट ऑन द टू ऑपरेंट्स, ये भी दो ऑपरेंट के ऊपर काम करता है, दो एक्सप्रेशन के ऊपर। एंड इफ वन ऑफ द ऑपरेंट इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब जो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा, दो ही रिलेशनल एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी रिलेशनल एक ही रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा। ओके, जैसे कि एंड में क्या होता था, दो ही का आंसर ट्रू होने से ट्रू होता है, पर इसमें क्या होता है, दो में से कोई एक का आंसर अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों का फॉल्स है तभी फाइनल आंसर फॉल्स होगा। देन नॉट, एंड इट ऑपरेट ऑन द वन ऑपरेंट, मतलब एक ही रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ ये यूज होता है, अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है तो नॉट हो जाएगा, मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है ट्रू का नॉट फॉल्स हो जाता है। अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है तो नॉट में फॉल्स हो जाता है, अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है तो उसका नॉट में ये ट्रू हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे जो ए ग्रेटर देन बी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ए ग्रेटर देन सी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये दोनों के बीच में हमने और ऑपरेटर यूज किया है, तो इसके बीच में हम एंड ऑपरेटर भी उसी तरह यूज कर पाएंगे। पर नॉट देखो, नॉट ऑपरेटर थोड़ा अलग है, यहाँ पे एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है ए नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो उसका पहले नॉट लिखा गया है, तो नॉट ऑपरेटर को हम इस तरह यूज करते हैं। ओके, हम इसको एक टेबल में अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, ये देखो एंड और नॉट, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है, ये और ऑपरेटर का सिंबल, ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। ओके, देखो सपोज एक्स वाई दो वेरिएबल दिया गया है, एक्स का वैल्यू सपोज 6 है, वाई का वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है एक्स लेस देन 10, वाई ग्रेटर देन 1, बीच में एंड ऑपरेटर लिखा गया है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है हम थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। एंड ऑपरेटर में क्या होगा, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर अगर ट्रू होगा तभी हमारा आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ये एंड ऑपरेटर का रूल है। तो एक्स का वैल्यू 6 है, 6 लेस देन 10 है कि 6 10 से छोटा है कि, हाँ छोटा है। देन वाई ग्रेटर देन वाई इक्वल टू 3, वाई का वैल्यू 3 है, तो वाई ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन 1 है कि, यस है, तो ये भी ट्रू हुआ, 6 लेस देन 10 हुआ, ये भी ट्रू हुआ, y ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ट्रू एंड ट्रू दैट मीन्स इसका आंसर हुआ ट्रू। ओके, उसी तरह और में आएंगे, और ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे भी x का वैल्यू 6 लिया गया है, y का वैल्यू 3 लिया गया है, x इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 के साथ इक्वल है कि समान है कि, इसका वैल्यू 5 के साथ इक्वल नहीं है क्योंकि x में 6 है, 6 5 के साथ समान होगा कि नहीं होगा, तो ये पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। याद रखो फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट में आएंगे फिर से, y इक्वल टू 5, y में क्या है 3 है, 3 5 के साथ समान होगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हुआ था, अभी ये भी फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और ऑपरेटर का रूल क्या था, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू होगा, पर एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है। एंड में क्या होता है, दोनों ही ट्रू होंगे तब भी उसका ट्रू होगा, दोनों में से अगर कोई एक ही फॉल्स हो जाएगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। देन ये नॉट ऑपरेटर,
यहाँ पे भी सेम एग्जांपल, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, x इक्वल इक्वल टू y, x का वैल्यू y के साथ इक्वल है कि 6 इक्वल इक्वल टू 3 है कि क्या है? नो, दैट मीन्स फॉल्स, फॉल्स का ये नॉट, दैट मीन्स फॉल्स का नॉट हुआ, फॉल्स का नॉट मतलब फॉल्स का ऑपोजिट, फॉल्स का ऑपोजिट क्या है? ट्रू, तो इट रिटर्न्स ट्रू, समझ में आया ना? x इक्वल इक्वल टू वाई, एक्स का वैल्यू वाई के साथ समान होगी, समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये अंदर वाला फॉल्स हो गया, फॉल्स का ऑपोजिट नॉट, दैट मीन्स ट्रू, तो आंसर आया ट्रू, ओके?